गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं ममता और आप देख रहे हैं ममता इन्फॉर्मेशन। आज मैं आपसे मैजिकल एकदम मैजिकल ग्लो सीरम नाइट ग्लो सीरम शेयर करने जा रही हूं। एकदम मैजिक, आपकी स्किन पे एकदम मैजिक की तरह काम करेगा और ये नाइट सीरम है। तो रूटीन डेली रूटीन तो हम लोग करते हैं, डेली डे में तो सारी चीजें लगा लेते हैं, कर लेते हैं, लेकिन नाइट करना हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन नाइट का सबसे जरूरी है कि हमको नाइट की नाइट में अपनी स्किन का ध्यान रखना चाहिए, नाइट रूटीन फॉलो करना चाहिए। अगर आप कमेंट करिएगा तो मैं इस पर नाइट रूटीन पे भी एक वीडियो बना दूंगी। तो प्लीज आप कमेंट में अपने सवाल पूछा करिए, अपने सजेशन दिया करिए कि आपको किस तरह से वीडियो चाहिए, क्या चाहिए, तो प्लीज आप कमेंट में लिख दिया करें। और जो पसंद ना है वो भी चीज आप कमेंट में लिख सकते, क्रीम वगैरह हम लोग मिस करते हैं, हम लोग सोचते हैं हम लोग तो नाइट में कहाँ जा रहे हैं क्या खाते, लेकिन ऐसा नहीं है। नाइट में ज्यादा वर्क करती है हमारी स्किन, जो भी हम क्रीम लगाते हैं वो ज्यादा वर्क करेगी हमारी स्किन में। तो इसके लिए नाइट का जो रूटीन होता है उसको जरूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि नाइट में हमारे सो जाते हैं तो वो हमारी जो भी हम क्रीम वगैरह लगाएंगे तो हमारी स्किन में अच्छे से वर्क करेगी, अच्छा काम करेगी, क्योंकि नाइट में हम लोग तो सो जाते हैं और हम लोग धूल मिट्टी और यूवी रे सूरज की जो हार्मफुल किरणें होती है उसके संपर्क में नहीं रहते। तो नाइट क्रीम जरूर लगानी चाहिए, नाइट की अवॉइड कर देते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी स्किन को ग्लोइंग रखना है, यूथफुल रखना है, हेल्दी रखना है और लाइट ब्राइट एक निखार चाहते हैं, मतलब सभी चाहते हैं कि हमारी पिंपल्स वगैरह हमारी स्किन पे ना रहे, किस तक क्लियर लगे, तो ये चीजें जरूर फॉलो करें। सारी चीजें बहुत महंगी मिलती है नाइट क्रीम में, नाइट सीरम बहुत महंगी मिलती है, तो मुझे नहीं लगता सब लोग ऐसे अफोर्ड कर पाएंगे इतनी महंगी चीजें। और घर में की चीज जो हम लोग बनाते हैं उसमें कम रेंज में बन जाती, और सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो हार्मफुल नहीं होती, कोई केमिकल लेस क्रीम होती है, नेचुरल होती है, उसमें कोई केमिकल नहीं रहते। जो भी बाहर की चीजें हम लाते हैं तो उसमें कलर रहते हैं, तो उसमें कलर एडेड रहते हैं, अगेन वो हमारे स्किन के लिए हार्मफुल होते हैं। जो भी उसकी खुशबू रहती है क्रीम वगैरह की, उसमें परफ्यूम रहते हैं, वो भी अगेन हमारी स्किन के लिए हार्मफुल रहती है। तो ये सारी चीजें हमारी स्किन को हार्मफुल करती है। घर की चीजों में जो हम लोग घर में बनाते हो तो उसमें देखा होगा उसमें कोई कलर नहीं रहता, उसमें कोई खुशबू नहीं रहती है, तो वो नेचुरल होती है, नेचुरल होती है, तो इसी वजह से अच्छे से वर्क करती है, कोई हार्मफुल नहीं होती हमारी स्किन, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। एक चीज है, लेकिन कोई कोई चीजें जो होती है किसी किसी को सूट नहीं करती है, जैसे कि एलोवेरा भी किसी को सूट नहीं करता है, तो एलोवेरा की जगह आप कुकुम्बर जेल भी यूज कर सकते हैं। तो बस आपको पता होनी चाहिए कि ये चीज हमें सूट नहीं करती है, अदरवाइज घर की चीजें कोई भी गलत इफेक्ट नहीं होती है, अच्छे रिजल्ट आते हैं और अफोर्डेबल भी होते हैं। तो ऐसा, और देखिए ये इसका कुछ कलर है, गोल्डन कलर है इसका, बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छी क्रीम है, कम रेंज की है और बिना केमिकल की है, बिना साइड इफेक्ट की है, नेचुरल है, अपनी स्किन को कोई भी नुकसान नहीं दे रही। और ये हर एज के लोग लगा सकते हैं, चाहे वो टीनेजर हो या कोई भी एज के हो, वो भी लगा सकते हैं। और ये हर लोग लगा सकते हैं, चाहे वो बॉयज हो, गर्ल हो, कोई भी हो, वो भी यूज कर सकते हैं। अभी ज्यादा बातें नहीं करते, चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने 2 चम्मच के करीब एलोवेरा लिया है, आपको जितना बनाना है उतना एलोवेरा ले लीजिए। मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ तो मुझे 2 चम्मच करीब मैंने एलोवेरा लिया। फिर 1 चम्मच के करीब मैं सैंडलवुड जेल ले रही हूँ, ये एल्प्स गुडनेस का सैंडलवुड जेल है। अगर आपके पास नहीं है तो आप अवॉइड कर दीजिए, सिर्फ एलोवेरा से बना लीजिए, या तो आपके पास कुकुम्बर जेल है तो वो आप डाल के बना लीजिए। और ये मैं फिर 1 चम्मच के करीब डालूंगी, बायोटिक का मॉइस्चराइजर है ये, ये ऑप्शनल है बिल्कुल, अगर आपके पास है तो ऐड कर लीजिए, नहीं है तो मत करिए, लेकिन ऐड करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मैंने इसमें 2 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच सैंडलवुड जेल और 1 चम्मच मॉइस्चराइजर डाला है, और एक में विटामिन ई की कैप्सूल डाली है, इवियन 400 की विटामिन ई कैप्सूल है, ये आपको केमिक्स में आराम से मिल जाती है केमिस्ट की दुकान पर, इवन 400 बोलेंगे तो। और फिर मैं इसमें डालूँ एसेंशियल ऑयल, ये ऑरेंज एसेंशियल ऑयल है, अगर आपके पास नहीं है तो मत डालिए, स्किप कर दिए, लेकिन अगर है तो डालिए, क्योंकि ये ज़्यादा देर तक प्रोडक्ट रहता है और अच्छे से हमारी स्किन में वर्क करेगा ये। फिर मैं इसको मिक्स कर ले रही हूँ, और फिर मैं इसमें 2 चम्मच या 1 चम्मच के करीब गुलाब जल डाल रही हूँ, आप जैसा लिक्विड चाहिए आप उस तरह से इसमें डाल सकते हैं। और फिर मैं इसमें हल्दी डाली, जो मेरा मेन इंग्रेडिएंट है वो है हल्दी, ये विल्ड हल्दी है, कस्तूरी हल्दी है, ये भी एल्प्स गुडनेस की हल्दी है, और मैं इतना ही डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं 1/2 चम्मच के करीब मैं बस इस डाल रही हूँ। अब देन इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और ये क्या हल्दी के जो भी सीरम वगैरह रहते हैं वो दिन में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि दिन में सन रेसेस के संपर्क में नहीं आने चाहिए हल्दी वाले प्रोडक्ट लगा के, तो ये रात में अच्छे होते, रात में ज़्यादा वर्क करेगा, अच्छे से वर्क करेगा,
लगेगा। तो इस तरह आप से बना लीजिए। बनाने के बाद और मैंने अपने चेहरे को फेस वॉश से वॉश कर लिया था पहले से, और अभी मैंने स्किन पे अपने कुछ भी नहीं लगाया है, टोन किया है। और फिर मैं अब फिर ये जा रही हूँ अपना सीरम लगाने। और पिंपल्स वगैरह आपके हैं तो ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा। और जब भी आप सीरम वगैरह लगाया करें तो फेस वॉश करके टोनर यूज करके ही लगाया करें। और मैं फिर देखिए अपने हाथ पर अभी लगा के दिखा रही हूँ, आप खुद ही अभी तुरंत आप फ़र्क देख सकते हैं कितना फ़र्क गिरा है। बस देखिए कितना सा फ़र्क गिरा है, आप तुरंत ही इसका देख सकते हैं। और ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। 2 मिनट तक आपको मसाज करना होता है और देख सकते हैं आपने कितना फ़र्क गिरा है इससे। और फिर मैं अपने स्किन पे लगा ले रही हूँ, मैं बस इतना ही लगा रही हूँ, ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ, आपको बस इतने ही लगाना है। और फिर अच्छे से मसाज कर लीजिए, जब तक अपने स्किन में पूरी तरह से मिल ना जाए तब तक आपको मसाज करना है। और देखिए कितना ग्लो आ गया है। और ये जब आप रात को लगा के सोएंगे तो आप जब सो जाएंगे तो ये रात भर आपकी स्किन में वर्क करेगा। और आप 8 घंटे की नींद लिया करें पूरी, तो 8 घंटा आपकी स्किन में ये अच्छे से वर्क करेगा। तो 7 दिन आप इसको लगा के देखिए, ट्राई करिए, और इसके रिजल्ट मुझे अब मेरे कमेंट में बॉक्स में आप शेयर जरूर करिएगा और ट्राई जरूर करिएगा। तब करिएगा, इतना तो कर ही सकते हैं। तो क्रीम बनानी बता दी, अगर आपके पास एलोवेरा नहीं है तो आप कुकुम्बर जेल यूज कर सकते हैं। अगर आपको सूट भी नहीं करता तो भी आप कुकुम्बर जेल यूज कर सकते हैं। और अगर आपके पास सैंडलवुड जेल नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और कोई ऐसा जरूरी नहीं कि आपके पास सारी चीजें होनी चाहिए, ऐसा नहीं, जो चीज हो आपके पास अभी अवेलेबल हो वो चीज से बना लीजिए। और हाँ, इतनी चीजें तो आपको जरूर रखनी चाहिए, अगर बनाने के लिए ये सारी चीजें रहना जरूरी है तो ये चीज रहनी चाहिए। अगर नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, नहीं तो है तो ऑप्शनल है, आपके पास है तो यूज करिए, नहीं है तो मत यूज करिए। क्योंकि इसमें मैंने जो मॉइस्चराइजर यूज किया था इसके लिए हमें अलग से मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रहना बहुत जरूरी होता है, तो अगर आपके पास है तो आप जरूर ऐड करिए। उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है, जो स्टार इंग्रेडिएंट है, वो है हल्दी। कस्तूरी हल्दी होनी चाहिए, किचन वाली हल्दी नहीं होनी चाहिए। तो जिसका मेन इंग्रेडिएंट है वो है हल्दी। हल्दी से एंटीसेप्टिक होती है, एंटी बैक्टीरिया जो भी होते हैं, हमारे पिंपल्स वगैरह आते हैं बैक्टीरिया से ही आते हैं, तो वो सारी चीजें दूर करती है हल्दी। हमारी स्किन को लाइट, ब्राइट, निखार, सारी चीज के लिए बहुत इफेक्ट, बहुत असरदार होती है। तो हल्दी जरूर यूज रहनी चाहिए, ज्यादा कॉस्टली नहीं मिलती है, बहुत अफोर्डेबल कस्तूरी हल्दी मिल जाती है। तो मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो में बताया है सारी चीज़ें, तो आप उस वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा। तो और हाँ, ये सारी चीज़ें हमने यूज करी, एसेंशियल ऑयल जरूर रहना चाहिए। एक तो आपके पास एसेंशियल ऑयल जरूर रहना चाहिए। एसेंशियल ऑयल हमारी स्किन को हर एक चीज़ में वर्क करेगा, हमारे जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसको ज़्यादा देर तक टिकाने में भी एसेंशियल ऑयल काम करता है। तो एसेंशियल ऑयल जरूर रहना चाहिए। और जो भी हमने इसमें जो जो चीज़ें यूज करी है वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, वो तो सारी चीज़ें हम लोग के पास रहती है। तो एकदम मैजिक की तरह हमारी स्किन पे इसको आप रोज, जब आप सोने जाते हैं, जब आप सोने जाते हैं तभी आप इसको, आपने पहले मेकअप किया है तो आप पहले मेकअप उतार लीजिएगा। मेकअप उतारने के बाद आप फेस वॉश करिएगा, फेस वॉश करने के बाद आप टोनर यूज करिएगा, टोनर यूज करने के बाद आप डायरेक्ट इसको लगा सकते हैं। और लगाने के बाद 2 मिनट तक आप इसको मसाज करिएगा, लगाने के बाद 2 मिनट तक मसाज करिएगा, तो आपकी स्किन पूरी तरह मिल ना जाए तब तक आपको मसाज करना है, मसाज करिए। और इसके बाद आप कोई मॉइस्चराइजर चाहे तो लगा सकते हैं, नाइट क्रीम चाहे तो लगा सकते हैं, ये तो कोई जरूरत नहीं। आप यही बहुत ज्यादा वर्क करेगा आपकी स्किन की। आप 7 दिन के लिए बना के इसको ट्राई करिएगा तो आप देखेंगे, आप इसकी पहले की अपनी स्किन देखिएगा और 7 दिन बाद अपनी स्किन को मिलाएगा, देखिएगा कितना फर्क गिरा है, कितना असर हुआ आपकी स्किन के। बहुत इफेक्टिव, 100% है, 100% वर्क करेगा ये, तो बहुत इफेक्टिव है। और आप इसको 7 दिन तक ही बनाइएगा, ज्यादा मत बनाइएगा और ज्यादा नहीं बना, क्योंकि इसमें क्योंकि हमने इसमें कोई रेफ्रिजरेटर केमिकल वगैरह यूज नहीं किए कि ज्यादा दिन तक टिका रहे। तो जो घर की चीजें होती है तो उसको आप कम ही बनाया करें और फ्रिज में स्टोर करके रखा करें, तो बाहर मत रखा करें। फ्रिज में नहीं रखना चाहते तो भी आप 5 से 6 दिन 7 दिन तक ही बनाइए, ज्यादा मत बनाइए। अगर आप फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं तो आप 15 दिन के बैचेस में बना सकते हैं। तो ये बना के आप लगाइए और देखिएगा, फिर आप फर्क देखिएगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और 7 दिन का चैलेंज लीजिए, 7 दिन तक इसको ट्राई करिएगा, गारंटी है 100% कि आपकी स्किन पहले से बहुत ही ज्यादा पिंपल्स नहीं रहेंगे, कोई भी दाग धब्बे के निशान नहीं रहेंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर आपकी स्किन हो जाएगी, आपकी स्किन में एक निखार आएगा, एक लाइट आएगा आपकी स्किन में। तो आप इसको ट्राई जरूर करिएगा, ट्राई करिए, यूज कर लीजिएगा। अगर हाँ आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। तब तक के बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।